ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 26 ವಾಸವಾದಂತಹ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಆದ ಹಾಗೂ 2013 ಚುನಾವಣೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಇಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಂತಹ ಹಾಗೂ 1994 ಇಸ್ವಿದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣು ಸುಹಾಸ್ ಕಿಲ್ಲೇಕರ್ನವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ .com ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಆಪ್ಕೋ ಮೈ ಹಿಂದಿ ಸೆ ಶುರುವಾತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಪ್ನೆ ಪಹಲೇ ಹಿ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ ಆಪ್ಕೆ ಯಹಾಂ ಕೆ ಜೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೆ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಹೈ ಯೇ ಹಿಂದಿ ಔರ್ ಮರಾಠಿ ಜ್ಯಾದಾ ಜಾನ್ತೇ ಹೈ, ತೋ ಆಪ್ಕಾ ಮೇ ಸೆ ಸಾರಾ ಹಿಂದಿ ಔರ್ ಮರಾಠಿ ಮೇ ಜೋ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೇರಾ ಪಹಲಾ ಸವಾಲ್ ಆಪ್ಸೆ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಪಹಲೇ ಆಪ್ಕಾ ಅಪ್ನಾ ಪರಿಚಯ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಹಿ ಯಾ ಮರಾಠಿ ಮೇ ಹಮಾರೆ ದರ್ಶಕೋ ಕೋ ದೇನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ? ಹಾಂ ಜರೂರ್, ಕ್ಯೂ ನಹೀ. ಪಹಲಿ ಬಾತ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಹರ್ ಸಬ್ ಲೋ ದರ್ಶಕೋ ಕೋ ಮೇರಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಹತಿ ಹೂಂ ಔರ್ ಮೇರಾ ಪರಿಚಯ ದೇನಾ ಚಾಹತಿ ಹೂಂ. ಮೇ ರೇಣು ಸುಹಾಸ್ ಕಿಲ್ಲೇಕರ್, ಎಕ್ಸ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಕಿ ಹೂಂ. ಮೇರೆ ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ನಾಮ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಹೈ, ಮೇರಿ ಮಾತಾ ಕಾ ನಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಬಾಯಿ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಹೈ, ಮೇರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾ ನಾಮ ಸುಹಾಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕಿಲ್ಲೇಕರ್ ಔರ್ ಜಿ ಔರ್ ಮೇ ಮೇರೆ ಸಸುರ್ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ನಾರಾಯಣ್ ಶಂಕರರಾವ್ ಕಿಲ್ಲೇಕರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಪ್ನೆ ಎಂಇಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಅಗಡಿ ಕೆ ಜೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿ ರಹ ಚುಕೆ ಹೈ, ಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಯೇ ಸಂಘಟನ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಯೇ ಎಂಇಎಸ್ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಎಂಇಎಸ್? ಎಂಇಎಸ್ ಸಂಘಟನ ಬೋಲೆ ತೋ ಏಕ್ ಸಂಘಟನಾ ಹೈ जो सीमावाद, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, हमारा जो सीमावाद है, उस वजह से ये संगठना तैयार हो गई है. जो हम महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र लड़ा था, तब से ये लड़ाई चालू है. और हम लोग बेलगाम, जो बेलगाम में मराठी लोग रहते हैं, उन पर अन्याय हो रहा है. जो मराठी भाषिक में बात करते हैं, उनको परिपत्रक मराठी में नहीं मिलता है. और हमको, हमारा जो मांग है कि हम महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं, इसीलिए ये लड़ाई है और इसीलिए ये संगठना एमईएस करती है. इसकी शुरुआत कब से हुई? इसका क्या मेन फुल फॉर्म क्या है? एमईएस का मतलब फुल फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र एकीकरण समिति करके इसका फुल फॉर्म है. इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना लगभग 65 साल हो गए सर. इसकी स्थापना 25-30 साल के करीब या नहीं, 60 साल हो गए. 60 साल से चल रही है? 60 साल. अच्छा अच्छा, यानी हमारी आजादी से, आजादी से चलती आई है. बहुत अच्छी बात है. अच्छा, इसमें आपने सोशल एक्टिविटीज को जो चुना था, ये कब से और कैसे की? क्योंकि महिला अक्सर होती है कि घरों के अंदर रह जाती है. आपने तो आज हमसे जो बात कर रही है, हम वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे महिला है, एक तो बहुत सारे ऐसे नहीं कि नाम लेते हुए हमें जरूरत नहीं समझता हमें, तो ऐसे माहौल में लेडीज अक्सर घरों पे रह जाती हैं. आपने 1994 से, यानी 1994 से आपने शुरुआत की थी सोशल एक्टिविटीज. ये ऐसे क्या हुआ इसकी वजह से जो आपने सोशल एक्टिविटीज किया और किस तरह से करते आए? मैं एक्चुअली 1994 से, मुझे तो बचपन में से ही शौक था कि जो चुनाव हो रहे थे तब जो, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एमबीएस जो हमारी संगठना है, उस वजह से हमारे बहुत से एमएलए हमारे चुन के आते थे. तब से हम लोग चुनाव के लिए, हम लोग प्रचार के लिए जाते थे बचपन में. तो तभी से मुझे वो चाहत थी. तो 1994 में जब मैं 10वीं में थी, तब मुझे एक संधि मिली कि कुछ काम करने की. और तब मैंने समाज कार्य के लिए थोड़ा बहुत काम किया था. तो तब से मुझे चालू हो गए कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि महिला आगे आना चाहिए. तो अभी हम कैसे आगे आ सकते हैं? तो पहली बात तो मैंने जब हमारे स्कूल में ये आरडी परेड करके रहता है दिल्ली में, तो उसके लिए अलग अलग स्टेट से चुनाव होता है हर लड़की का. तो मैंने उसमें भाग लिया था और बहुत तकलीफ उससे मैं गुजर गई हूँ. और उसी वजह से मैंने, मुझे वो आरडी में सिलेक्ट होना मिला, चांस मिला है. क्योंकि हमारे बहुत करके 120 लड़कियों में से वो चुनाव होता है. तो उससे, उसमें से मेरा चुनाव हुआ. और मुझे अभिमान है कि मैं मेरे स्कूल की पहली लड़की हूँ जो आरडी परेड में जाके आई हूँ. और तब मुझे पता चला कि लड़कियों को कितना, 1994 में मैंने आरडी परेड किया है सर. अच्छा. और 1996 में भी मैंने आरडी परेड किया है. मैं दो मरतबा मुझे चांस मिला आरडी परेड, क्योंकि मेरी जो मैंने जो मेहनत की है उसका फल मिला है. और उसी वजह से मैंने ये पॉलिटिक्स. आरडी परेड होता क्या है सर? नेशनल इंटीग्रेशन आरडी परेड रहता है. हर स्टेट से चुन के लड़की लोग जाते हैं. जो परेड, जो राष्ट्रपति को जो सलामी दी जाती है, तो उसके लिए वो हर स्टेट से
चुना जाता है और वो हर एक लड़की को उसमें चांस नहीं मिलता सर, उसके लिए बहुत तकलीफ और बहुत मेहनत की जरूरत होती है। उसके साथ में एक्टिविटीज की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, एक्टिविटीज की पक्का जरूरत। एक्टिविटीज ऐसी है कि एक झांसी की रानी मेरे सामने बैठी हुई जैसे लगती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपसे ये सवाल करनी थी कि एमईएस के जरिए आपने शुरुआत की थी, आज प्रेसिडेंट बना गया है, कौन से ईस्वी में आप इसके प्रेसिडेंट बने? सर मैं एक्चुअली मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि 2007 को जो महानगर पालिका का चुनाव हो गया था, तब मेरे मिस्टर ने मुझे बोला कि अगर हमको कुछ सोशल वर्क करना है तो कुछ तो आपके पास ऐसा चाहिए जिससे आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो उसके लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया और मैं चुनाव में खड़ी हो गई और उनकी मेहनत और लोगों का विश्वास, उसी से मैं चुन के आ गई। और उस टाइम जब मैं चुन के आई तब मैं अपक्ष खड़ी थी, किसी पक्ष से नहीं थी, अपक्ष करके खड़ी थी और सभी लोगों ने मुझे मतदान, इंडिपेंडेंट से खड़ी थी और सभी लोगों ने मुझे मतदान किया है सर। और मैं जब सभी लोगों ने मतदान तो किया है और जब मैं काम करती हूँ तब सभी लोगों का विचार करके मैंने काम भी किया है, उसी वजह से मुझे उस साल मुझे डिप्टी मेयर पद भी मिला है सर, उसी वक्त मिला। अच्छी बात है मैम। आप कौन से वार्ड से कॉन्टेस्ट किए थे जो सर? वार्ड नंबर साउथ में। हाँ, सर नॉर्थ में किया था। नॉर्थ में कौन सा वार्ड? नॉर्थ में वार्ड नंबर 34 से मैंने चुनाव लड़ा था और 34 से मुझे बहुत क्योंकि जो मेरे साथ कॉन्टेस्ट किया था वो दो बार पहले इलेक्ट हो गया था जी, और उसके साथ मेरा चुनाव था तो इसीलिए वो बहुत कड़ी टक्कर थी, लेकिन लोगों का विश्वास और लोगों ने जो मुझ पर जो जवाबदारी डाली उसी वजह से मैं चुन के आई। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप जीतने के बाद आपने कहा कि एक मतलब मेयर का भी आपको डिप्टी मेयर का भी पोस्ट मिला, यानी उप मेयर का जो आपको एक चांस मिला था। तो सारी बेलगावी की ये ना के नाथ या साउथ की पूरी आपको जिम्मेदारी दी गई थी, उसके तहत आपने वहाँ पे आपके बेलगावी सिटी के लिए यानी बेलगावी जो महानगर है इसके लिए आपने क्या क्या डेवलपमेंट और क्या क्या काम करवाया? सर पहली बात तो मुझे डिप्टी मेयर 2007 में मिला, मैंने आपसे बताया, लेकिन उसका मुझे कालावधि बहुत कम मिला था, तो भी मैंने उस कालावधि में बहुत कुछ करने की कोशिश की सर, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम बहुत चलता है बेलगाम सिटी में, तो मैंने हर गली में एक सिंटेक्स ताकि जो हर औरत की तकलीफ सोच के मैंने वो पानी का सोय बनाया था हर गली में, क्योंकि बोर मार के वो टाकी सिंटेक्स टाकी बना के अगर पानी नल का नहीं आ रहा है तो भी वो यूज़ कर सकते, वो बनाया था। फिर रोड गटर्स वो बनाए थे और पहली बार मैंने पेवर्स बिठाने की कोशिश की थी और इतने अच्छी तरह से पेवर्स बिठाए हैं कि अभी भी सब लोग अभी पेवर्स बिठाने की सलाह दे रहे हैं, तो पहले कोई पेवर्स नहीं बिठाता था, लेकिन मैंने जब से शुरू किया कि जो गली में बोल्स रहते हैं वो यूटिलाइज नहीं होता, उधर बहुत गंदगी रहती है, तो वो गंदगी की वजह से वो उधर मैंने पेवर्स लगाए और पेवर्स लगाने के बाद वो गंदगी हट गई और स्वच्छ और सुंदर बेलगाम बनाने के लिए मैंने कोशिश, स्वच्छता के लिए आपने ज्यादा ध्यान दिया, समझ के आपने काम किया है, बहुत खुशी की बात है। अब यहाँ पे मार्केटों की भी बहुत झंझट बहुत चल रही थी, मार्केट में लोगों के लिए आना जाना तकलीफ हो रही थी, ऐसे वो कह रहे थे, अब इसमें आपने कुछ कदम नहीं उठाए थे? हाँ उठाए थे सर, पार्किंग के लिए भी हमने कदम उठाए थे, पार्किंग के लिए हमने पार्किंग जोन बनाया था, महानगर पालिका का पार्किंग है उधर भी हमने अच्छी तरह से पार्किंग जोन बनाया और वो कार पार्किंग टू व्हीलर पार्किंग अच्छी तरह से बनाने की कोशिश भी हमने की थी। वो कहाँ तक आपका काम पूरा हो गया था जो आपकी अवधि में खत्म हो गया? अच्छी तरह से सर काम पूरा हो गया था, लेकिन मुझे कालावधि थोड़ी मिली इसीलिए उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ी देर लग गई, लेकिन हुआ था पक्का। लेकिन आपके पीरियड में जो आपने चाहा वो तो पूरा हो गया। लेकिन इतने कामों में आपको जिनको यानी कि आपके अपने हार्ट लिए कौन सा ज्यादा खुशी किस काम में मिली थी? अब सर खुशी उस टाइम मिली थी क्योंकि मैंने जब भी मेरे पास लोग आते थे और उनका जब मैं काम करती थी और वो जब आके मुझे बोलते थे कि मेरा काम हो गया, तभी मुझे वो तसल्ली होती थी कि हाँ मैंने इनका कुछ तो काम किया, मैं मुझे चुन के जो लाए हैं उसके काम के लिए मैं पड़ी, वही मुझे
ज्यादा से ज्यादा। वेरी गुड मैम, मेयर और उपमेयर का अक्सर होता यह है कि सारी जिम्मेदारी आप लोगों के सर कंधे पर पड़ जाती है। एमएलए के लिए तो अलग जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेयर डिप्टी मेयर का तो सिटी को डेवलपमेंट करने में या हर वो काम करने के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है। अब इसकी वजह से एजुकेशन में आपने आपके पीरियड में कुछ कदम उठाए थे, कुछ काम किए थे? हाँ सर, एजुकेशन के लिए भी हमने बहुत से किस तरीके से आप लोग बहुत से काम किए सर। हमने छोटे मोटे स्कूल्स में जाके बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसी लड़के को अडॉप्ट किया है उसके एजुकेशन के लिए, और हम लोगों ने हमारी संस्था के वजह से हम लोगों ने दो तीन स्कूल में जाके लड़कियों को अडॉप्ट किया है, उनका फुल एजुकेशन हम लोगों ने किया है। अगर वो उसकी परिस्थिति नहीं है लेकिन वो होशियार है तो उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए नहीं होता तो उसको आगे कैसे लाना है उसके लिए हमने कोशिश की है। और हमारे तरफ से हमने उनको पैसे की तो मदद की है, लेकिन उनको एजुकेशन के लिए सर अगर कोई प्रोफेसर चाहिए या कोई टीचर चाहिए, अगर ट्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी हमने बहुत सी कोशिशें की। अच्छा, आपके पीरियड में जब उपमेयर आप बनी थी या आप कॉर्पोरेटर जो 5 साल रह चुकी हैं उसमें से डिप्टी मेयर का तो आपको चंद वर्ष आपको मिला, डिप्टी मेयर मिला था, ऐसे माहौल में राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से आपको फंड आने में या कुछ कामकाज के लिए तकलीफ है? नहीं सर, तकलीफ तो कुछ हुई नहीं, फंड तो आता था लेकिन वो फंड इतना लेट आता था कि हम लोग उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक वो फंड आता था तब तक हम, अभी भी ऐसे ही होता है सर कि फंड आता है हम लोग सब, क्योंकि अभी टेंडर का प्रोसीजर है सर, तो टेंडर प्रोसीजर के लिए उसका लेंथी प्रोसीजर है, वो टेंडर अगर प्रोसीजर नहीं होता तो वो काम जल्दी हो सकता है, तो वो टेंडर प्रोसीजर इतना लेंथी है, अगर किसी ने वो टेंडर लो टेंडर में डाला तो वो टेंडर कैंसिल भी हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होता है, तो वो पैसा आके भी वो लोगों तक पहुंचता नहीं है, तो वो थोड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, 2013 के विधानसभा इलेक्शन में आपने उत्तर से या दक्षिण से कड़ी थी? हाँ सर। तो अगर आप जीत जाती या अगले चुनाव में आपका क्या इरादा क्या है? आपने तो बहुत कम मतदान से हारी हुई है 2013 में, एक तो सबसे पहले लेडी है, दूसरा है कि आप मराठी फॉर एग्जाम्पल में बात करना चाहता हूँ, उसके बावजूद यहाँ पे बराबर की टक्कर भी बहुत ज्यादा हुई है, क्या आप नॉर्थ से या साउथ से खड़ी थी? सर मैं नॉर्थ से खड़ी थी, और हमारा MES एक कोई सिर्फ संगठन है, कोई पक्ष नहीं है, क्योंकि यहाँ पक्ष के लोग बहुत है, बोले तो काम करने के लोग बहुत रहते हैं, बाहर से अंदर से सीधी सी बात है, और हमारा जो संगठन है तो हमारे लिमिटेड लोग रहते हैं, तो उस वजह से हमको थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी और पैसे के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल की बहुत से प्रॉब्लम, फंड वगैरह आता है वो एक प्रॉब्लम होती है, और तो भी हम लोगों ने कहीं भी हार नहीं मानी हम लोगों ने, क्योंकि लोगों को काम करने वाला चाहिए होता है, और एक तो मैं औरत, वो क्या लोग क्या सोच, मीन्स वो लोग सोचते हैं कि औरत लोग बाहर नहीं आ सकती या काम नहीं कर सकती, वो गलत दिखाना था मुझे कि औरत भी टक्कर दे सकती है, हर आदमी के साथ वो खड़ी रह सकती है। अच्छा, जब आपने 2013 के इलेक्शन में विधानसभा चुनाव के लिए खड़ी थी, आपके हस्बैंड या आपके ससुर जी जो फादर इन लॉ जो कहते हैं, आपके मदर इन लॉ, इन लोगों से कभी कुछ ऑब्जेक्शन या आप लोगों के लिए तकलीफ नहीं हुई? कभी कभी नहीं सर, कभी नहीं, उनका तो ज्यादा मुझे प्रोत्साहन था कि तू आगे जा, हम तेरे साथ है, मत डर। मेरी सास तो मेरे, मैं घर में ही कम रहती थी तो वो बिंदास बोलती थी मैं घर संभालती हूँ, तू बाकी सब संभाल के, क्योंकि माँ के घर में बेटी के लिए छूट तो मिल जाती है, लेकिन बहुओं के लिए बहुत सारे घरों में ऑलमोस्ट ऑल इंडिया का एक कल्चर है, माँ के घर पे बेटी के लिए पूरी छूट मिल जाती है, लेकिन बहू के लिए अपने ससुराल में छूट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझे कि आज के दौर में 20% भी ऐसे घर होंगे जो आपकी तरह होंगे, 80% लोग ऐसे रहते हैं कि अपने बहू को एक नौकरानी की तरह पेश करते हैं, ऐसे माहौल में आप लोगों का सहयोग भी यहाँ पे, जो आपके ससुराल का सहयोग भी आपको मिला और आपकी पति देव के प्रेरणा भी आपको, जो आपने अभी भी बातों में कहा, ये सब होने का यानी कि आपका जो यहाँ पे उतना सब कुछ बाहर देखने के बाद आपके घर पे कैसे चलाते थे, आप कैसे मेंटेन करते थे इन लोगों को? सर मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेरी सास बहुत अच्छी है, मैंने कभी मुझे उसने बहू कहा ही नहीं, बेटी जैसा ही रखा है, और बहू कहा ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ मुझे, और कभी तकलीफ भी नहीं, उन्होंने कभी मुझे जान के भी नहीं दिखी, अगर उनको तकलीफ हो रही है घर संभालने के लिए तो कभी उन्होंने बोला ही नहीं, वो अपने आप उन्होंने सॉल्व किया। बहुत बड़ी बात है, ऐसे घरों को हमारा एक सलाम भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर जो घर होते हैं
एक हाथ से तो थाली बचती नहीं, एक सबसे पहली ससुराल वाले आपसे इतना खुश हैं तो आप भी उन सबको उतना खुश रखेंगे, तभी जाके ये गाड़ी चलती है। गाड़ी एक पहिया हो टायर का, एक पहिया हो लकड़ी का, तो गाड़ी भी सही नहीं चलती। तो दोनों पहिया अगर कड़क हो या नरम हो तभी गाड़ी चलती है। तो एक साथ एकता होना बहुत जरूरी होता है। रही बात 2000 चुनाव के, मैं अगर आप जीत जाती तो जब डिप्टी मेयर थी तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी थी सिटी की, वो भी नॉर्थ या साउथ हो या सिटी के, टोटली आपकी जिम्मेदारी कर ली गई थी। अगर 2013 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप जीत जाती तो सारे का सारा आपका जो नॉर्थ है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती, यानी कि वहाँ के जितने भी काम काज का जो भी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर हो जाती है। अगर आइंदा इलेक्शन में अगर कुछ करना चाहती भी हैं, अगर करने के बाद जीत भी जाती हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? सर मैं एक्चुअली पहली बात तो बिना चुनाव के भी मेरे पास बहुत से महिला लोग आते हैं और मैंने महिला लोगों के लिए बहुत से काम किए हैं सर। पेंशन करके दी हूँ, रोड का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं जाती हूँ, फिर महिलाओं को सक्षम बनाती हूँ, उनको पैरों पे खड़ा रहने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे इन सब में मुझे जो अड़ल आया हूँ मैं बताती हूँ कि पहली बात तो महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है, तो पहला तो मैं वो करती कि इंडस्ट्रीज, कोई अच्छी इंडस्ट्रीज लेके आती, क्योंकि अभी बेरोजगार बहुत बढ़ गया है सर। हमारे लोग बहुत से, हमारे बेलगाम के बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं इधर ही कुछ तो ऐसा करती कि वो अपने माँ बाप की भी देखभाल करें और काम भी इधर ही मिले। ऐसे पहले तो मैं इंडस्ट्रीज लाना चाहती थी और लाना चाहती हूँ अगर मैं बन गई तो। एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि आप महिलाओं के लिए बहुत करना चाहती हैं। मैं ये समझता हूँ अगर आप MLA बन जाती हैं तो सारी जजमेंट भी आपके हाथ में आएगी। क्या सिर्फ आप महिलाओं की ही बात कर रहे हैं, पुरुषों ने आपको क्या किया था? आपने पुरुषों के लिए तो कुछ भी बात नहीं कर रहे, तो क्या पुरुषों के लिए कुछ नहीं करना? ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। पुरुष बोले तो मेरे भाई जैसे ही है, वो भी उनके लिए भी मैं काम करूंगी, पर महिलाओं को प्राधान्य दूंगी क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। हाँ। तो महिलाओं को प्राधान्य दूंगी क्योंकि अभी 50% आरक्षण हम बोलते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो रहा, तो इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ कि महिला भी पुरुषों के खंडों के कंधे के साथ काम करे, मिलके काम करे। हाँ, ऐसे कोशिश कर, या महिला है या पुरुष है, ऐसा भेदभाव ना रहे, जिस जगह पर भी जाएंगे वहाँ पे एकता हो, एकता, एक समानता, समानता। बहुत अच्छी बात है, इस तरह से अगर हमारे देश के हर वासी अगर सोच ले तो हमारा ऐसा कोई देरी भी नहीं है और दूर भी नहीं है कि हमारा देश सबसे नंबर वन पे आए। पहले था हमारा देश नंबर वन, आज अभी नंबर वन पीछे हो गया है, अभी नंबर वन कोशिश करेंगे नंबर वन ही रहेंगे। अगर सोचते रहेंगे तो सारे के सारे देशवासियों के लिए फर्ज है कि वो देश को आगे बढ़ाए। अच्छी बात है। अगर चुनाव में जीतने के बाद आपके अपने यहाँ पे, क्योंकि वेल एजुकेशन चल रही है जो बेलगाम के, कर्नाटक के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, ये तीसरे स्थान पर होता है एजुकेशन में, सही है ना? सबसे पहले तो एजुकेशन में टॉप वन पे आता है तुमकुर, सेकेंड वन एक आता है बैंगलोर, थर्ड वन आता है आपका महाराष्ट्र, सॉरी बेलगावी। ये बेलगावी में तीसरे नंबर पे रहने के बावजूद यहाँ पे जब भी हम देखते हैं अनएजुकेटेड, यहाँ के लोकल पर्सन अनएजुकेटेड घूमते फिरते हैं, कहीं कहीं देखो कहीं होटलें चला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्या इसके तरफ आपकी तवज्जो कुछ है, क्या है? इसके लिए कुछ करना चाहते हैं? वही तो मैं बता रही हूँ सर आपको, क्योंकि इधर इंडस्ट्रीज कम है, एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि अभी एजुकेशन हमको कहाँ पे एडमिशन लेना है, किधर जाना है, तो प्रॉब्लम पैसों का आता है, गरीब लोग नहीं भर सकते। अगर वो अच्छा स्कोरिंग भी कर सकता है तो उधर प्रॉब्लम पैसों का आता है, नहीं तो फिर कैटेगरी का आता है, तो वो प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, उसीलिए वो बच्चे थोड़े पीछे रह रहे हैं और वो धंधे में जा रहे हैं। तो मैं ये बदल करना चाहती हूँ कि हर एक को एडमिशन मिले, हर एक बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी को देख के, कैपेबिलिटी को देख के उसको एडमिशन। कोई भी सरकार आती है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमारे यहाँ सबसे पहले एजुकेशन को महत्वपूर्ण दिया जाता है। अब यहाँ पे इसके बावजूद खाना पीना रहना सहना बच्चों के लिए बुक्स वगैरह सब कुछ मुफ्त में देने के बावजूद चंद लोग माँ बाप ऐसे भी हैं कि अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ नहीं देते हैं। ऐसे लोग जो बेलगावी में भी कुछ हद तक हैं, ऐसा नहीं कि सारे हैं, कुछ हद तक है, अभी तो इसकी मेजोरिटी कम होते आई है, सुधार आया है। इसके बावजूद यहाँ के बेलगावी में रहने वाले ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों का फ्यूचर जो बर्बाद कर रहे हैं, इन लोगों के लिए कोई नसीहत, कोई आप मैसेज देना चाहेंगे जो मराठी में हो, ताकि यहाँ के जो खासकर ज्यादा जानते हैं मराठी, इन लोगों के लिए
अगर आप कुछ देना चाहेंगे, कुछ मैसेज? हाँ सर, पक्का देना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना अभी की तो जरूरत है। बच्चा कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, हर किसी को पढ़ना जरूरी है। तो हर माँ बाप को मेरी विनंती है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उसे इतना अच्छा काबिल बनाओ कि वो अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सके और आपका नाम भी रोशन कर सके, ना कि उसके उसको धंधे में किसी और आपके तकलीफ की वजह से उसे मत पढ़ाने के छोड़ के उसको धंधे में डालेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी। आज की प्रॉब्लम्स का सोचेंगे तो फ्यूचर फ्यूचर हाँ फ्यूचर बर्बाद हो गया। अगर उसका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए या फिर आपका भी नाम रोशन होना चाहिए तो उसको पढ़ाओ लिखाओ। अगर आपको तकलीफ हो रही है उसको पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए, तो हम जैसे लोगों की मदद लो और उसको पढ़ाओ जी। और उसको पढ़ा के अच्छा इंसान बना। यही अगर मैसेज आप मराठी में कुछ देना चाहेंगे? हाँ पक्का सर, मी सगळ्यांना विनंती करते कि आज कि प्रत्येक आई वडिलांनी आपल्या मुलाला चांगलं शिकवायला पाहिजे, जेणेकरून तो चांगला नागरिक व्हायचा असेल तर त्यांना शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आजच्या काळामध्ये। तर मी तुम्हाला विनंती करते, तुम्हाला जर जमत नसेल, तुम्हाला जरी काही अडचणी येत असेल, तर नक्की आम्ही त्या अडचणी दूर करायचा प्रयत्न नक्की करू। आमच्याशी तुम्ही संपर्क साधा आणि जर तुम्हाला काही लागलं तर आम्ही तुम्हाला नक्की मदत करू। आणि या तुम्हाला मी तुमच्या ह्या माध्यमातून तुम्हाला मी विनंती करत आहे। बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि यहाँ के बच्चों के लिए पहले फ्यूचर का ख्याल करें। आप जो मराठी में भी कहे हैं और हिंदी में भी इसका मैसेज दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा इसके बारे में मैं बहस और चर्चा करना चाहता था, वक्त बहुत कम रहने की वजह से अपने टॉपिक कुछ छोटा करना चाहता हूँ, ताकि अपने मेन मकसद और मेन टॉपिक की तरफ मैं आना चाहता हूँ। आपने एक बात तो कह दी कि यहाँ पे एजुकेशन के लिए है, लेकिन आप भी एक महिला है, मैं इसलिए आपको एक ये सवाल करना चाहता हूँ। हमारे देश में आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार, आक्रमण, दौर्जन्य जो कहता जाता है कि उनके ऊपर ज्यादा थी नाइंसाफियां बहुत चल रही है। yes, जहाँ बजा देखो बलात्कार चल रहे हैं, जहाँ बजा देखो उनके नौकरानियों की तरह उनके घरों पे ये कर रहे हैं, कोई भाई बहन के ऊपर भी दौर्जन्य वगैरह जो कर रहा है, जो ज्यादा थी ऐसे तो बहुत सारे चल रहे हैं हमारे देश में। ये तो हम सोचेंगे तो ये कल्चर तो बाहर के मुल्कों का था, अमेरिका हो या कोई और देश में, अभी तो हमारे देश में तो ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे तो हम लोग सोचेंगे हर चीज के लिए एक माता का स्थान देते हैं, जैसा कि हिंदुस्तान के लिए भी हम लोग कहते हैं अपनी माता, पक्का सही बात है। हम अपनी भूमि के लिए भी कहते हैं माता, हम नदियों के लिए भी कहते हैं माता, हर जगह पे कोई पिता का तो नहीं है, यानी कि माता का जिक्र होता है तो एक महिला। ऐसे पवित्र के हमारे पवित्र देश के अंदर आज ये लड़कियों पर ज्यादती या अत्याचार होने की रीजन क्या है, क्या वजह क्या है, आप अपने तरीके से जो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मुझे तो मुझे लगता है क्योंकि ये हम माँ बापों की गलती है, क्योंकि संस्कार बोलते हैं हम लोग, संस्कार हाँ संस्कार जो बोलते हैं वो घर में से ही आते हैं और वो माँ बाप से ही मिलते हैं बच्चे लोगों के। तो पहली बात माँ बाप को सोचना चाहिए कि बेटी हो या बेटा, हर कोई को इक्वल देखो, उनको दोनों को भी बोलो कि 7 बजे के पहले, जब हम बोलते हैं कि बेटी को कि तू घर आ 7 बजे के पहले, लेकिन बेटे को हम नहीं बोलते, तो बेटे को भी बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम बेटे और बेटी में तकलीफ अलग नहीं फर्क नहीं करेंगे तभी वो बच्चे को भी रिस्ट्रिक्शन मालूम हो जाएगा वो लड़के को, कि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ बेटी को नहीं बेटे को भी है। तो बेटे को भी बताना चाहिए कि बाबा तुझे भी रिस्ट्रिक्शंस है, तभी वो उसका सोच बदलेगी, क्योंकि जब वो लड़की के तरफ देखेगा। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा लड़की जब 7 बजे से पहले घर आती है तो ठीक है, अगर वही लड़का 10 बजे 9 बजे आया तो भी हम क्या बोलते हैं, ठीक है बाबा लड़का है 10 बजे आया तो ठीक है, नहीं उसको भी रिस्ट्रिक्शन डालो, क्योंकि उसका जो कहाँ गया वो लड़का और लड़की तकलीफ दे रहा हो, तो हम लोग घर में से उनको रिस्ट्रिक्शन डालना चाहिए और वो संस्कार दे रहे हैं। लेकिन ऐसे भी नहीं बोलती कि हम लड़कियों की गलती नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी सोचना चाहिए कि कब किधर जाना चाहिए और कितने बजे किधर जाना चाहिए और कौन से कपड़े हम पहनने चाहिए और कौन से नहीं पहनने चाहिए। हर एक कपड़े का भी लिहाज होता है, हर एक कपड़े का अलग अलग, जिधर जिधर हम पहन सकते हैं उधर हम पहन सकते हैं। वो अभी साड़ी कोई कार्यक्रम हो तो हम लोग साड़ी ही पहनते हैं, अगर कोई पार्टी हो तो हम ड्रेस पहनते हैं, वो ड्रेस भी पहनने के आपको मालूम पड़ना चाहिए, हाँ मालूम पड़ना चाहिए कैसे अपना बदन ढकने से कितना सुंदर लगता है और उसको अगर आप जाया करने से कितना भद्दा लगता है, तो आप सोच के आपको वो अपना अपने ड्रेस कोड के साथ साथ में अपने नेचर को भी हम चेंज करना चाहिए। अक्सर होता है मैम यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं, माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं रहते,
अब कॉलेज वगैरह या स्कूल पे जाते हैं बच्चे, 9 बजे या 8 बजे क्लासेस होती है, अब वो 6 बजे निकल जाते हैं, माँ बाप को तो कुछ पता नहीं चलता। तो अब इसे माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वो कहाँ जाएगा, साथ में जाके देंगे कुछ हद तक। अब यहाँ पिता रहेगा कि वो कमाने में लगा हुआ है, माता रहेगी कि वो घर पे घर संभालने में लग जाती है। इसमें एक्चुअली कंबाइन फैमिली नहीं रहे आजकल, वही प्रॉब्लम है। अब ये बच्चों के ऊपर तवज्जो देना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे माहौल में भी ऐसे हादसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट्स को हम बचाने के लिए इसमें आपने जो कहा कि माँ बाप का फर्ज है कि वो क्या पहन के बाहर जा रही है, क्या समय पे वो जा रही है, क्या समय पे आ रहा है, भले वो लड़का हो या लड़की हो, ये आपको यही कहना है। तो आपने आपके इस मैसेज को मैं चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तानी ये देखे, यही मैसेज अगर आप मराठी में कुछ देना चाहेंगे आपके इन लोगों को। यस सर, मैं तो मराठी में यही कहना चाहती हूँ, सगळ्या आई वडिलांना माझी विनंती है कि आपण मुली आणि मुलांमध्ये भेदभाव नाही करायला पाहिजे, तर मुलांना आणि मुलींना दोघांनाच आपण चांगले संस्कार घडवायला पाहिजे। का म्हणजे ज्या वेळेला मुलीवर अन्याय होतोय, ज्या वेळेला मुलीवर एका बलात्कार होतोय, तर तो मुलगाच करतोय आणि त्या मुलावर संस्कार चांगले नसल्या कारणाने असं हे घडतंय असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही। म्हणून मी तुम्हाला विनंती करते की मुली मुलांना समानता बघा आणि त्यांना दोघांना रिस्ट्रिक्शन समानता द्या। आणि मला पालकांना आवर्जून सांगायला वाटते की मुलींनी आपण किती वाजता जावं, कुठं जावं हे आपण ठरवायला पाहिजे आणि काय कपडे घालावं हे आपण खरोखर आपण ठरवायला पाहिजे। तर मी आई वडिलांना विनंती करते की आपली मुलगी काय कपडे घालते, कुठं जाते, किती वेळेला जाते, कुठल्या क्लासला जाते हे आपण चांगलं लक्षात घेतलं पाहिजे आणि त्याच्या पाठीशी आपण राहिलं पाहिजे। आणि हेच माझी विनंती आहे तुम्हाला की आपण चांगले संस्कार आपण आई वडिलांनी घडवले तर नक्कीच आमची पिढी ही चांगली होईल आणि पिढी चांगली झाली की आमचा देश चांगला होईल। आणि म्हणूनच मी तुम्हाला माध्यमातून तुम्हाला सांगायची विनंती करते की खरोखर हे चांगलं त्यांनी काम करत आहेत, त्यांनी नॅशनल पॉलिटिकल .com जे लोक माझ्याकडे आलेले आहेत त्यांच्या माध्यमातूनच हे मला सांगायची संधी मिळालेली आहे। खरोखर ह्या लोकांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे आणि ह्या माध्यमातूनच तुम्हाला मला सांगायची संधी सुद्धा मिळालेली आहे। थोड्याच काळात जगभर ही बातमी पोचते म्हणूनच हे खरोखर यांचं काम कौतुक जितकं करावं तितकंच कमी आहे। तर ह्या कार्य ह्या ज्या लोकांना सुद्धा माझा सलाम आणि असेच कार्यक्रम त्यांनी करावं आणि ह्या तुमच्या माध्यमातून प्रत्येक घराघरात ही बातमी पोचावी जेणेकरून आपला देश कसा पुढे जाईल आणि कसा नंबर वन होईल याच्यासाठीच हा यांचा प्रयत्न आहे आणि याच्यासाठी त्यांना शुभेच्छा आणि आमचा पाठिंबा तर कायमच राहील। धन्यवाद। अशी बात आपने काही क्योंकि जो आपने कह दिया कि हमारे जो माध्यम है पॉलिटिशियंस इन इंडिया .com जो वेबसाइट है और नेशनल पॉलिटिक्स जो सोशल नेटवर्क मीडिया जो कहा जाता है, यूट्यूब के माध्यम से हम आपकी सारी वो बातों को लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। मुझे तो मराठी ज्यादा नहीं आती, उसके बावजूद आपने जो कह रहे थे मुझे इतना तो समझ में आ गया कि नेशनल पॉलिटिक्स का जो काम है ये पहले ही बहुत पहले करना चाहिए था और बहुत अच्छा है। यानी कि आप ये चाहते हैं कि ये सारे सारे घरों तक ये इन्फॉर्मेशन को जो पहुंचा रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो और से देखें। यस सर, तो बहुत अच्छी बात कही आपने। समय की कमी की वजह से मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हुए, हमारे जो दर्शक आपकी बात जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपसे पूरे वाकिफ हो रहे हैं कि इन लोगों की तरफ से और साथ में नेशनल पॉलिटिक्स सोशल नेटवर्क मीडिया पॉलिटिशियंस इंडिया .com की तरफ से आपको अभिनंदन कहते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद वीक्षक मतगड़ केद्रे बेळगावी जिले बेळगावी महानगर पालिकेय वार्ड नंबर 26 ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದಂತ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ 2013ನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಂತಹ ಮತ್ತೆ 1994ನೇ ಇಸ್ವಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣು ಸುಹಾಸ್ ಕಿಲ್ಲೇಕರ್ನವರ ಮಾತುಗಳಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.